नमस्कार नमस्कार आदाब सत श्री अकाल की हाल चाल कैसे हैं आप सब। हमारे साथ चाचा जी हैं और अपने घर से हमारे बहुत दूर चल के हमारे घर आए हैं, ये हमारा सौभाग्य है। और हमारा एक कोलैबोरेशन वीडियो है, ऐसा कोलैबोरेशन वीडियो अमेरिका में पहली बार हो रहा है कि जो हिंदी बोलने वाले जो यूट्यूब चैनल हैं अमेरिका में, उनका कोलैबोरेशन अमेरिका में पहली बार हो रहा है। तो हमारी बहुत खुशी की बात है कि मैं भी वो हिंदी का एक पार्ट। और चाचा जी आपसे कुछ प्रश्न पूछना चाहते हैं। सबसे पहले कि आप अमेरिका में कब आए? मेरे को 10 साल हो गए। 10 साल और क्यों आए थे, मतलब किस पर्पज़ से? बच्चे पालने आए थे, जो नाना और दादा लोगों का काम होता ना। हाँ। इंडिया में शाम को उंगली पकड़ घुमाते हैं बच्चों को। हाँ। वही काम है यार, बच्चे पालने आए थे, फिर यही झुकते यहीं के हो गए। अच्छा अच्छा 10 साल हो गए आपको। तो अमेरिका जब आप यूट्यूब से जुड़े, तो यूट्यूब का ख्याल आपको कब आया, क्यों आया? यूट्यूब का ख्याल मेरे को इसलिए आया कि आप लोगों की तरह मैं भी यूट्यूब पर वीडियो देखा करता था और बहुत सारे वीडियो देखे जो अमेरिका के इंडियन यूट्यूबर्स हैं उनके मैंने। फिर मैंने सोचा कि यार मैं भी बना सकता हूँ वीडियो अगर ये लोग बना सकते हैं, तो बस एक ट्राई करा और उसके बाद आप बाकी आप लोग का प्यार मोहब्बत सपोर्ट अच्छा ही लगी गाइस। अच्छा जब आपने शुरू किया तो घर वाले आपको कह रहे थे क्या शुरू किया ये सब? हाँ, जब आप कोई काम की शुरुआत करते हो सबसे पहले टांग खींचता है आप घर वाले अंदर से टांग खींचते हैं, फालतू काम कर रहे हैं। वो कहते तुम्हारे बस का नहीं। मैंने कहा यार कोई बात नहीं, बस का नहीं है, कोशिश करते हैं, बनाते हैं, देखते हैं और बस फिर उसके बाद बाकी आप लोग बताइए कहानी क्या है। अच्छा जैसे यूट्यूब में काम करने के लिए आपको टेक्नोलॉजी का इंफॉर्मेशन होना बहुत ज़रूरी है, जैसे एडिटिंग उटिंग कोई बात नहीं कर रहा हूँ, जैसे कि यूट्यूब कैसे काम करता है, सेटिंग क्या होती है, थंबनेल टाइटल और कीवर्ड कैसे करते हैं, तो ये सब चीज़ें आप सीखते कैसे हो, कौन से किसी यूट्यूब चैनल पर देख के सीखते हैं आप कैसे? जब आप ठान लेते हो ना कुछ करने की तो फिर सब कुछ आसान है। और गुरु है एक बहुत बड़ा इस दुनिया में जिसका नाम है यूट्यूब, वहाँ पर सब कुछ पढ़ा हुआ मसाला, वहाँ जाओ सब मिल जाएगा। मैंने 10-10 घंटे 12-12 घंटे रोज़ाना वीडियो देखे हैं, सीखा है लोगों से कैसे एडिट करते हैं, क्या करते हैं और बस। और आज भी मेरे को कुछ भी नहीं आता, मुझे आज तक की सही बता रहा हूँ मैं, आज तक की तारीख में मेरे को ये नहीं पता है कि चैनल पे URL कहाँ पर है मेरा, सही बता रहा हूँ मुझे नहीं पता। अभी मेरे से सच बोल रहा हूँ, मैंने कॉपी करके दिया इनको इन्होंने हमसे पूछा कि मुझे पता नहीं URL कैसे कॉपी करते हैं, तो मैंने कॉपी करके दिया इनको, तो नहीं आता यार बस वीडियो बना लेते दैट्स इट। और चूँकि मुझे कभी कुछ नहीं आता था और मैंने बहुत सारे यूट्यूबर्स से ईमेल करी, पूछने की कोशिश करी, लेकिन आपको पता यार फुर्सत होती नहीं लोगों पास, मैं उन पर ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, समय का अभाव होता है, बहुत सारे अकाउंट्स होते हैं नहीं देख पाते हैं, तो इसलिए मैंने सोचा अगर कभी मुझे मौका मिला और मैं किसी की हेल्प कर सका तो मैं ज़रूर से करूँगा। और आज वो मौका आ गया कि रमेश है मेरे साथ और रोहन तो फिल्म स्टार है, इसमें रोहन ने हमारा जो है कैमरा होल्ड किया अपने हाथ से, अब ये हमारे चैनल पे आप इनको भी देख सकते हैं, मैंने इनके साथ भी एक कोलैबोरेशन वीडियो बनाया है और वो भी इनके इनको भी आप हमारे चैनल पे देख सकते हैं। तो और चाचा जी आपका जो फेवरेट यूट्यूब चैनल जो टेक्निकल में है वो आप कौन सा देखते हैं? टेक्निकल तो मैं देखता नहीं यार, मैं देखता हूँ सिर्फ जो लोग अमेरिका दिखाते हैं क्योंकि मैं यहाँ रहता हूँ, यूरोप के कभी कभी सजेशन में वीडियो आते हैं मैं देख लेता हूँ, अदरवाइज मैं यहीं के देखता हूँ जो अमेरिका में यूट्यूबर हैं, क्योंकि मेरी जो क्या बोलते हैं कॉम्पिटिशन कह सकते हो आप ना उसको यार कहना पड़ता, वो सच्चाई नहीं है कॉम्पिटिशन तो होता ही होता, हालांकि वो सब मेरे साथी हैं वो लोग, तो मैं उनके वीडियो देखता हूँ और उनसे सीखता हूँ, छोटे हों बड़े हों इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सब पे देखता हूँ। रमेश के भी देखे मैंने बहुत वीडियो और सीखने के लिए यार कोई छोटा बड़ा नहीं होता, सबसे आप सीख सकते हो, यही है यार। अच्छा आपने वो मेरा चैनल के बारे में चर्चा किया, मतलब मेरा चैनल आपको कैसा लगता है इन जनरल? देखो अब ये ऐसे सवाल पूछ रहा, मैं सच बोल दूंगा तो फिर कहेगा चाचा ये क्यों बोल दिया आपने, है ना? नहीं सीखूंगा ना, सीखूंगा उससे, कुछ कमियां रहेंगे तो मैं सीखूंगा। अभी ये कहूंगा कि ये बच्चा है जी जी और अभी बोतल से दूध पी रहा है, सच बात है। हाँ। पैरों पे अपने खड़े होने में वक्त लगेगा। हाँ। और उस वक्त का इंतजार करना चाहिए और मेहनत बहुत करना चाहिए। हाँ। बहुत ज़्यादा, मतलब मेरे को खुद बता रहा हूँ आज की तारीख में भी एडिट करता हूँ मैं तो मेरे को 6-6 घंटे लग जाते हैं एक वीडियो एडिट करने में, जबकि ऐसे कोई खास वीडियो नहीं तब भी इतना टाइम लगता है, तो मैं इसीलिए कहता हूँ एक्चुअली मैं यहाँ कहना चाहूँगा कि चाचा जी से जब से मैं अभी साथ में हूँ तब से मैं 2-3 चीज़ें मैंने ट्रिक सीखा इनसे, कि जैसे रोड पे है तो मुझे खंभे के तार नहीं होने चाहिए मुझे पहली बार पता चला, और छोटी छोटी चीज़ें कि मैंने चाचा जी को बोला कि यहाँ पे बहुत बढ़िया सीन है वीडियो बना लो, चाचा ने कहा नहीं मैं नहीं बनाऊंगा, मैंने पूछा क्यों, कह रहे कि मैं कहीं सेट नहीं होगा, मैं चाहता हूँ जब भी कोई स्टोरी वीडियो में कोई स्टोरी होना चाहिए तो स्टोरी शुरू हो उस स्टोरी में ख़त्म भी होना चाहिए, कोई फालतू का कचरा नहीं भरना चाहते, तो मैं कचरा बहुत थोड़ा बहुत भर देता हूँ, ये चीज़ मुझे सीखने को मिला।
और दूसरा चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि चाचा थोड़ा सा हम सबसे उम्र में ज़्यादा हैं लेकिन इतना एक्टिव है, मैं बोलता हूँ जैसे 15-20 साल का लड़का या लड़की, मतलब इतना एक्टिव, खड़े खड़े मोबाइल में शूट किया मेरे सामने, तुरंत एडिट किया, तुरंत फोटो मैंने कहा फोटो थंबनेल के लिए फ़ोटो खींचा, एडिट किया, अपलोड किया, अब 5 मिनट के अंदर सब कुछ हो गया। आपने देख भी लिया उसको, इसमें इनके चैनल पे है वो वीडियो, और अभी बहुत जान बाकी है बहुत सही बता रहा और चाचा कुछ कहना चाहते हैं? बस यही कहना चाहता हूँ जो नए यूट्यूबर हैं या यूट्यूबर जो लोग हैं उनके लिए आप क्या कहना चाहते हैं? यही कहना चाहता हूँ यार, कर सकते हो सब है ना, लेकिन उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी और बहुत काम करना पड़ेगा। इस जैसे सुस्तों की तरह नहीं कि वीडियो बना के डाल रखा है, उसमें फोन में पड़ा हुआ, लैपटॉप में पड़ा हुआ, एडिट करनी नहीं, यार काम करो, मेहनत करो बहुत ज़्यादा, और कम से कम हफ्ते में एक वीडियो डालो अपना और दूसरों के वीडियो देखो, उससे सीखने को मिलता है। बाकी बस रोहन मिर्दी हैं वो रिकॉर्ड कर रहे हैं। थैंक यू चाचा जी। ये नहीं यार, बैठिए बैठिए, हमें भी बाथरूम होके आता हूँ है ना, जाओ बाथरूम होके। फार्मेसी आने के बाद हम तो थक गए हैं, भूख भी लगी है, सुबह से कुछ खाए नहीं, आपने कुछ खाया? अरे मैंने तो सच में कुछ नहीं खाया, सुबह से काम पे निकला हूँ, काम पे से सीधा मैं उधर आ गया था और इतनी भूख लगी अभी तो कुछ अच्छा खाएंगे। चाचा जी सिर्फ कॉफ़ी पी, सिर्फ कॉफ़ी पी, मैं बाथरूम में कहता हूँ। भूख लग रही है बहुत मेरे को, मैंने कल रात को खाना खाया था और खा रहा हूँ उसके बाद। खाने के बाद आप लोगों से कुछ गुफ्तगू की जाएगी, कुछ गुफ्तगू की जाएगी ब्रेक के बाद हंसी। और तो अभी हम पहुँच गए हैं टेबल पे खाने पे, अभी हम खाना ऑर्डर करेंगे। चाचा देख रहे हैं उधर मेनू क्या है, चाचा जी क्या खाएंगे? देखते हैं यार, अभी देखो आप डिसाइड कीजिए। तो फिर जो है हम डिनर कर लेंगे, उसके बाद हम आपको चाचा के साथ और भी मौज मस्ती करेंगे, वो भी दिखाएंगे आपको, तो बने रहिए हमारे साथ। हम सब संतोष जी भी आ गए हैं अब, हमारे लिए बहुत बड़ा सरप्राइज है, मुझे पता ही नहीं था कि कहाँ बुला रहे हैं, क्यों बुला रहे हैं। ये संतोष जी हैं, इनको मैंने बताया नहीं था कि किससे चाचा जी से मिलवाना था, मैंने इनको बताया नहीं था। वो भी शॉक लगा है, बिग शॉक लगा है, सब लोग आ गए और मैं गेस कर रहा था कौन है, बट ये एक्सपर्ट हैं वीडियोग्राफी, देख रहे हो ना, सीखना पड़ेगा सब लोगों से। खाना आ गया है सामने, अब उनसे कंट्रोल नहीं हो रहा है, खाना खाने के बाद बात करते हैं।